हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं घुघुती कंस्ट्रक्शन की तरफ से जा रहा हूँ सुमेरु विहार। तो हम शिमला बाईपास से होते हुए जाएंगे सीधा सुमेरु विहार और वहाँ पर एक हमारी घुघुती कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, तो जिसका हम निरीक्षण करेंगे। तो चलिए चलते हैं सुमेरु विहार की तरफ। जी, आपका पूरा नाम क्या है? नीरन भंडारी। अच्छा, ठीक है। आपकी डेजिग्नेशन क्या है घुघुती कंस्ट्रक्शन में? सीनियर साइट इंजीनियर। सीनियर साइट इंजीनियर, ठीक है। चलिए भंडारी जी, बताइए अपने काम के बारे में कुछ। देखिए, पहले तो जैसे हमारा ये है कि हमारा भी यहाँ पर जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्या है कि काफ़ी लोग मतलब ये है कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया ये रहता है कि जैसे हम इसमें एक्सकेवेशन करते हैं सबसे पहले, फिर उसमें क्या करते हैं एक्सकेवेशन करने जहाँ पर हमारे जो है कॉलम का, जैसे ये हमारा ये, तो जैसे ये कॉलम है तो इसकी जैसे हमको फुटिंग करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल पे, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसका जो है पहले नीचे से एक हम पिट कर देते हैं, एक्सक्यूट कर देते हैं। कि जब एक्सक्यूट कर देते हैं ऐसा हम सबके कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें जब हम इसका फिर क्या ड्रेसिंग और लेबलिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। और जितना हमको डाउन जाना होता है वो भी साइड बाई साइड हम इसकी जो है ना डेप्थ हम चेक कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ड्रेसिंग लेबलिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम जो है ना PCC कर लेते हैं। फिर PCC का मेन जो ऑब्जेक्टिव है देने का ये है कि एक तरह से एक हार्ड बेस देना और हार्ड बेस के साथ साथ एक लेवल सरफेस देना। क्योंकि कई लोग को पता तो है कि हार्ड बेस देना है, लेकिन हार्ड बेस में क्या करते हैं उसका लेवल नहीं देखते हैं। अब कहीं से इतना मोटा कर दिया, कहीं से इधर कर दिया, तो अनइवन टाइप का अगर हो जाएगा तो उसमें फुटिंग भी आपकी क्या रहेगी, अनइवन टाइप की रहेगी। तो अनइवन रहेगी तो उसमें जो अगर सेटलमेंट होना होगा, क्योंकि सेटलमेंट तो होना ही है, जब उसमें सेटलमेंट होगा तो इवन सेटलमेंट देने के लिए हम उसके लिए लेवल चेक करते हैं, जो कि और लोग नहीं करते। ये बहुत इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे सबसे नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे फुटिंग पर आ जाते हैं, फिर जैसे हम इस पे फुटिंग पे आते हैं, फिर हम इसमें फुटिंग में क्या करते हैं, इसके प्रॉपर लेआउट करते हैं, कॉलम का पूरा लेआउट करते हैं। फिर कॉलम का लेआउट करते हैं, फिर उसमें जो हमारा को जितनी फुटिंग उसका डायमेंशन चाहिए होता है, आउटर उसका पूरा हम लेआउट कर लेते हैं। फिर हिसाब से हम उसको जो है ना सारों का सब कैसे कर लेते हैं, और फिर उसमें जो है हम सूता उता मार के धागा वगैरह मार के ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे ऐसा ड्राइंग डिज़ाइन है क्या वो फुटिंग के जो कॉलम है वो अपनी जगह आ रहे कि नहीं आ रहे। ऐसे तो नहीं कि कहीं हमने जल्दबाजी में कर दिया और वैसे इधर उधर हो गए, जो कि नॉर्मली और लोग करते हैं कि धागा बांध देते हैं और ऐसे रख देते हैं, नीचे कोई मार्किंग नहीं रहती है। और जब मार्किंग नहीं रहेगी नीचे, तो उसमें जब हम कॉलम खड़ा करेंगे और जिस टाइम हम जो है कास्टिंग करेंगे, तो कास्टिंग का टाइम पे सही आया, वो तो लॉन्ग लेंथ है, वो तो इलास्टिसिटी रहती है उसमें, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर भागता ही है। तो हमको ऊपर से तो लगता है कि वो इधर भाग रहा है, और नीचे अगर हम और हमको नीचे से लगता है कि वो हमारा नीचे से हमारे एकदम फिक्स रहेगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट रहता है, तो उसके लिए हम जो है साइड से पूरा सपोर्ट देते हैं। तो साइड से सपोर्ट देने के साथ साथ हमको जो है नीचे भी हमको चेक करना पड़ता है कि अपनी जगह पे है कि नहीं, उसी के लिए मार्किंग जो है बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो इसलिए और लोग ये ऐसा नहीं करते हैं, जिससे उनको बाद में बहुत दिक्कत आती है, टैकल मारना, ऐसा मारना, फिर इधर उधर भाग जाना, फिर मतलब ये कि बेवजह उस कॉलम को, फिर वो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता है उसको हैंडल करने के लिए। तो इसलिए सबसे जो हमारा तरीका है, हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी घुघुती कंस्ट्रक्शन जो है, घुघुती सर्विसेज नाम से जो है, इसमें क्या है प्रॉपर मार्किंग करते हैं, जब प्रॉपर मार्किंग करते हैं लाइन लेवल सारी चीज़ें कर लेते हैं, तब जाके हमारे कॉलम उठते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जब जैसे हमारे कॉलम उठ गए हैं, तो फिर हम जैसे कॉलम जो है फुटिंग के साथ पूरे जाल वाल बना के उसको पूरा उठा देते हैं जब ऊपर। तो फुटिंग जैसे हमारा ये अब ये ले लीजिए, अभी जो इसका बेसिक प्लान ये है कि अब ये मतलब ये कि इसमें एक ही फ्लोर आएगा इसमें, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन इसमें जो हमने नीचे जो हमने जाल बना रखा है वो 16 mm के सरिया का यूज़ कर रखा है, और साइड से ठीक है, इसमें आपने 16 mm का सरिया यूज़ किया है, ठीक है, 16 mm का यूज़ करा है, 5-5 inches की स्पेसिंग में है, बोथ डायरेक्शन में, एक्स और वाई में। और इसके साथ साथ इसमें क्या है कि जैसे बोथ डायरेक्शन में एक्स वाई, साइड से हमने इसमें एल भी दे रखे हैं, तो इसमें एल इसलिए दे रखे क्योंकि ये है डायमंड फुटिंग है,
और इसको जो टेक्निकली हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप होता है इसका, तो ट्रेपेजॉइडल शेप होता है। तो जो हमने एल दे रखे हैं वो एल हमने इसलिए दे रखे हैं क्योंकि साइड से जो कंक्रीट हो रुकने के लिए कुछ ना कुछ तो रेनफोर्समेंट चाहिए ना, इसलिए चाहिए, इसलिए दे रखा हमने वो, क्योंकि हम प्लेन अगर हम कंक्रीट डाल देंगे उसमें साइड से एक फीट का है कि नहीं, तो उसमें फिर ये होता है कि नीचे सरिया नहीं है तो पकड़ नहीं बनेगी उसकी, तो आपस में जब अर्थक्वेक जब आता है, स्ट्रक्चर जब हिलता है, तो उस टाइम क्या है कि कंक्रीट की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको साथ में सरिया भी चाहिए होता है आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ों के मद्देनजर हमने साइड से इसमें एल भी दे रखे हैं, और प्रॉपर उसमें जो है ना बाइंडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आपने बाइंड आपने सब चीज़ दे रखी है लेकिन उसमें तार से आपने सही से नहीं बांध रखा है, तो प्रॉपर इधर उधर भाग जाएंगे वो, तो एक जब ऊपर से लोड आएगा तो नीचे जो फुटिंग का मेन काम क्या है, फुटिंग का काम ये है कि ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है सारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र करें, तो उसके लिए इसमें क्या है कि आपके एल प्रॉपर होने चाहिए और इसमें आपके जो है स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और साइड बाई साइड इसमें जो आपके हम इसमें तार से जो बंधाई करते हैं वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो भंडारी जी ये बताइए कि ऐसे तो बहुत सारे लेबर मिस्त्री रोड पे घूमते हैं, तो वो घुघुती कंस्ट्रक्शंस को क्यों चुने हैं, आप ही क्यों, वो लेबर मिस्त्री भी तो ले सकते हैं रोड से जो काम करते हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के या फिर बिना किसी के अंदर, आपको ही क्यों चुने? नहीं, हमारे यहाँ क्या है ना मेन क्या है कि जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन रहती है सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहती है, और जो सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है वो सारी आईएस कोड के हिसाब से होती है, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 जो कि हमारा एक सबसे बेसिक कोड है, लेकिन उसके बाद हमारा डिज़ाइन कोड तो 10262 वो तो अलग है, लेकिन हमारा जो बेसिक है जो कि हमको काम करना है और जो कि हमारे जो स्पेसिफिकेशन है जो बेसिक बेसिक है, हम उस कोड का जो है रिकमेंड करते हैं और वो उसी को जो हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा अभी हम यहाँ ले लीजिए प्लिंथ भी, ये फॉर एग्जांपल कॉलम है, अब इस कॉलम में क्या है कि नॉर्मल जो ठेकेदार होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको इस हुक का जो है यूज़ प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन इसका क्या वो यूज़ है, लेकिन इसका मैं अगर बताऊँ आपको टेक्निकली, तो इसमें ये है कि इस हुक का जो है दो तरफा यूज है, दो तरफा बोले तो इसमें पहले ये है कि आपका एक तो ये पूरे सरिया को एकदम प्रॉपर एंकर करके रखता है ताकि अगर इसमें लोड आए तो ये जाल अगर खुले ना, क्योंकि अगर इसमें लोड आएगा ना सरिया बाहर भागने की कोशिश करेंगे, तो एकदम इसको एकदम टाई करके रखते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसका जब ऊपर से लोड आता है तो लोड हमारा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 45 डिग्री में एक हमारा जो है शेयर फेलियर होता है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए इस हुक का बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम जो है इसको प्रॉपर अंदर को मोड़ते हैं। ठीक है, अभी ये कि जैसे अभी इसमें जो अभी हमारा कॉलम कास्टिंग होगी तो थोड़ा बहुत ये जब डिस्टर्ब हो जाता है फिर इसको हम दोबारा इसमें जो भी इसमें कमियां पेशी रह जाती है उसको हम दोबारा मेकअप करते हैं, इसको प्रॉपर बनाते हैं, प्रॉपर इसकी बंधाई सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भंडारी जी, फिर ये बताइए आप मटेरियल क्वालिटी क्या यूज़ करते हैं, आपकी तरफ से आपकी कंपनी की तरफ से क्या मटेरियल क्वालिटी यूज़ होता है? देखिए, सबसे पहले तो मटेरियल में क्या है हमारा जो एग्रीगेट होता है कि नहीं, जो कि हमारा जो है सबसे नीचे जो यूज़ होने वाला मटेरियल है, सबसे पहले जैसे पीसीसी हो गया, फुटिंग हो गया, तो इसमें हमारा जैसे एग्रीगेट हो गया है कि नहीं, और सीमेंट हो गया, और एक हमारे जो है धूली बजरी जिसको हम जो है फाइन एग्रीगेट के रूप में बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जो है पहले से चेक कर लेते हैं इसमें कि इसमें कोई फ्लैकी पार्टिकल तो नहीं है लंबे लंबे से जो कि स्ट्रेंथ को जो है अफेक्ट करते हैं। दूसरा है कि जो सीमेंट हमारा जो यूज़ हो रहा है साइड बाई साइड, तो उसमें क्या है कि वो बैक डेट का तो नहीं है, कहीं लम्स तो नहीं है उसमें, वो भी हम इसका जो है बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। और जब हमारी गाड़ी जो है अनलोड हो रही है खासकर उस टाइम पे और यूज़ होने से पहले, ये क्योंकि दो जो एक रहता है ना स्टार्टिंग में और एक जो है मतलब यूज़ होने से पहले, ये दो टाइम जो है बहुत क्रूशल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जो है थोड़ा इंसान जो है कि मतलब जो लेबर हो गया या मिस्त्री हो गया जल्दबाजी में करके वैसे वैसे यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाद में इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उसमें यह है कि फिर बाद में क्या है कि कहीं पर फिनिशिंग नहीं आएगी या फिर जो है स्ट्रेंथ भी जो है उसकी जो है ना कहीं पर जो है किसी स्पॉट पे जहाँ पर उसके लम्स इकट्ठा हो गए तो वहाँ पर जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अफेक्ट कर जाएगी, मतलब कुल मिला के घट सी जाएगी। तो उसमें फिर ये है कि ये सारी चीज़ें रहती है हमारी क्वालिटी में रहती है, और साथ बाय साथ जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो भी हो गया स्ट्रक्चर पार्ट में, साथ में जैसे हमारे टेरेस है तो टेरेस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है डैम्पनेस के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जैसे बारिश के टाइम पे जो हमारी सीलन आती है छतों से, तो उसमें क्या है कि हमारा जो कंपोजिशन होती है इसमें डिज़ाइन मिक्स रहता है हमारा M20 रहता है, तो M20 में जो हमारा कंपोजिशन इस हिसाब से बनाई जाती है ताकि उसमें जब हमारी बारिश हो तो बिल्कुल भी पेनिट्रेट ना कर पाए, तो जिससे की वजह से हमारा जो इसका डैम्पनेस का जो एक हमारी एक वो रहती है वारंटी टाइप की कह ले, तो ये रहती है 25 ईयर्स तक रहती है, तो जिसमें क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होती है।
मैं वैसे तो वारंटी वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि ये तो छत है, ये तो वन टाइम पड़ रही है, तो इसमें जो गारंटी वर्ड ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है भंडारी जी, अब इसमें बताइए आप प्लास्टर का मटेरियल क्या यूज़ करते हो और ब्रिक में क्या यूज़ करते हो? पहले तो हम जो है ब्रिक वर्क में ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो ब्रिक वर्क ही है, उसके बाद ही प्लास्टर का। पहले तो हम जैसे ब्रिक वर्क में जैसे ब्रिक्स यूज़ करेंगे वो हमारी फर्स्ट क्लास रहती है, उसको हम पहले ही जो है अपने जो हमारा साइट ऑफिस है वहाँ पर हमने छोटी सी लैब बना रखी है, तो वहीं पर हम जो है उसमें यूज़ करते हैं कि वो उसका जो है सोकिंग पीरियड कितना, मतलब ये कि कितना पानी वो सोख रही है, सोख लेती है, सोख रही है ना, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, तभी जाके हम जो है उसको सैंपल को पास करके हम जो है ऑर्डर करते हैं। फिर ये कि जब हम उसको साइट पे यूज़ करते हैं तो उसको जो है प्रॉपर हम जो है भिगाते हैं उसको, ताकि जो है वो मोटार का जो हमारा मसाला लग रहा है उससे पानी ना पिए, तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जब हम इसका जो है सारा, ये सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी ईंट बहुत ज़्यादा पानी पी रही है या फिर उसके सरफेस पे जो है कुछ अनइवन टाइप की चीज़ें बन रही है, जैसे एक एफ्लोरेसेंस टर्म है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको जो है प्लास्टर को बाद में अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है इस पर। फिर आ जाते हैं प्लास्टर पर। प्लास्टर में क्या है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारा जो है फाइन सैंड आप कैसा यूज़ कर रहे हैं। तो फाइन सैंड में क्या है कि जैसे आप अगर यहाँ पर देखें तो इसमें आपको अगर वैसे ही दिख रहा होगा, तो जो फाइन सैंड में जो आपका जो उसका साइज़ होता है फाइन सैंड का, ये हमारा जो है दानेदार है ना, तो दानेदार जो होगा उसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है विद इफेक्टिव, जो एकदम फाइन रहता है, तो जो दानेदार रहता है इसमें जो है हमारी जो पुट्टी हो गई, पेंट हो गया, जो फिनिशिंग आइटम है वो बहुत अच्छी पकड़ बनाता है। और जैसे बारिश के टाइम पे, जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे इसमें इरोजन जो होता है, जैसे धीरे धीरे जो इरोजन जो होता है पेंट का, वो बहुत कम होता है, तो इसलिए हम जो है दानेदार वाला ही यूज़ करते हैं। और बाकी जो हमारे जो सीमेंट होते हैं वो जो है हमारे जो है मतलब अल्ट्राटेक है ऐसे, तो अल्ट्राटेक में क्या है कि उसमें जो फाइननेस है तो वो उसके मैच करके एकदम, मतलब ये कि इसका जो आपका सरफेस बनता है वो इस लेवल का बनता है कि इसमें जो आउटर हमारे जो एजेंट्स हो गए बारिश है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है, और हमारी स्ट्रेंथ जो है और उससे बेहतर है। तो भंडारी जी ये बताइए कि घुघुती सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्टर में और आप अदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? हम देखिए सबसे पहले अगर हम ले लें जमीनी तौर से, तो जमीनी तौर में क्या है कि जैसे फुटिंग है, तो फुटिंग में क्या है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये किसी भी कंस्ट्रक्शन पार्ट का। तो इसमें सबसे पहले जो हम जो PCC करते हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर ये PCC बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके बाद, वो है ये है कि मार्किंग, जो कॉलम की मार्किंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या पता नहीं लगता, उसे एकदम पता लग जाता है कि हमारे कॉलम कहाँ पर आ रहा है, जिसको हम कॉलम लेआउट कहते हैं, वो भी काफ़ी लोग नहीं करते हैं नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर। फिर अगर हम उसके ऊपर आ जाएँ क्या होता है फुटिंग पे, तो फुटिंग का जो डिज़ाइन मिक्स है कईयों का जो है कोई प्रॉपर मिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें सीपेज होता है और उसका जो रेनफोर्समेंट है वो धीरे धीरे जो है ना मतलब ख़राब होता है, उसमें जंग लगता है, तो अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होते जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर में क्या है, ब्रिक वर्क है और ब्रिक वर्क के साथ साथ कॉलम है, तो कॉलम में भी लोग क्या करते हैं, कई लोग जो नॉर्मल ठेकेदार हैं जो ऐसी मतलब जो काम चला रहे हैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो उसमें क्या करते हैं कि जो रिंग्स हमारी प्रॉपर इसमें हुक नहीं होते हैं, और रिंग की स्पेसिंग जो है एक एक फीट रख रहे हैं, और रिंग की स्पेसिंग जो है ना एक एक फीट रख रहे हैं और इसके हुक नहीं मोड़ रहे हैं। दूसरा है कि इसमें जो बंधाई होती है, बंधाई भी जो है बहुत ज़रूरी है, तो कई लोग जो इसको प्रॉपर बांधते नहीं है, जिसे जो है स्टरअप जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये काफ़ी लोग जो है नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में अगर इसके साथ साथ कॉलम पे आ जाते हैं, तो कॉलम में जो इसका कवर मिलता है, कंक्रीट कवर का भी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रोल है इसको, ताकि जो है ना वो इसका जो रेनफोर्समेंट जो है मतलब मॉइस्चर से डैम्पनेस से बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें ये खराब होता जाएगा तो उसका एक मतलब कि सरिया का रोल ही क्या रह जाएगा, हमको तो एक इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करनी है ना स्ट्रक्चर में, तो ये कंक्रीट कवर जो है वह कोई बाकी लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। फिर इसके ऊपर हम आ जाते हैं बीम पे। फिर बीम पे जब हम आ जाते हैं तो इसके ऊपर जब बीम पड़ती है तो बीम जो हमारी इसमें जो पड़ती है, मैं आपको बता दूँ, कई जो बीम लोग डालते हैं वो इसमें क्या करते हैं, सारी तरफ से उसे बीम पहले डाल देते हैं, तो उसके ऊपर छत आप रेस्ट करवा देते हैं, जो कि टेक्निकली जो है बहुत गलत है, जो कि इसको जो है नॉर्मल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कई लोग होते हैं, वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब इसका जो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आता है, जिस टाइम भूकंप आता है, नॉर्मल भूकंप भी आएगा तो आपने चाहे कितना भी तगड़ा स्ट्रक्चर बना रखा हो, लेकिन उसकी प्रॉपर उसकी एंकरिंग नहीं है, एक दूसरे स्ट्रक्चर से आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो वो फेल है, वो ज़ीरो है,
आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, लेकिन ये कि नॉर्मल लोग, नॉर्मल ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोल रहे हैं, वो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एक दूसरे से प्रॉपर जो है टाइप रहता है, एक तरह से प्रॉपर, जैसे हम देख रहे हैं ये प्लिंथ बीम है, अभी जैसे इसमें भरान हो गया है तो प्लिंथ बीम है, ये एज एक टाई बीम भी का भी काम कर रहा है, टाई बीम का ही काम कर रहा है, और एक ऐसा ये जो है ना अपने आप में ना ये डीपीसी का भी काम कर रहा है। तो इसमें अगर हम डीपीसी ना भी करें तो ये अपने आप में इसमें क्या है, नीचे का जो मॉइस्चर है कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है। अभी इसकी जो है 18 इंच की गहराई है, डेप्थ है इसकी बीम की, तो अपने आप में ये डीपीसी का भी काम कर रहा है। तो चलते हैं अपने क्लाइंट के पास और जानते हैं उनका फीडबैक। जी सर, श्रीवास्तव जी कैसे हैं आप? सर अच्छा सर, आपकी साइट चल रही है सुमेर विहार में? जी बताइए सर, कैसा रहा काम सर आपका? सर कंपनी ने अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन काम किया है। ठीक है सर, उसमें कोई शिकायत नहीं है। जी जैसा मतलब हमारी डिजायर थी उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए सारी चीज़ों के को जो है ओवरऑल उन्होंने काम सेटिस्फैक्ट्री किया है। ओके अच्छा काम रहा है। ठीक है श्रीवास्तव जी, जरा एक चीज़ बताइए मुझे, जो इसमें सामान यूज़ हुआ है, जो आपका मटेरियल यूज़ हुआ है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, वो आपके अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है? जी बिल्कुल, और मटेरियल मंगा के उन्होंने चेक भी करवाया था कि आप इसे चेक कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तभी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और एक आध बार कई बार ऐसा भी हुआ कि अवेलेबल नहीं था, जैसे हमें टाटा टिस्कॉन का सरिया चाहिए था तो अवेलेबल नहीं था, फिर हमें जहाँ से पता चला वहाँ से हमने बताया इनको कि वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से मंगा के दिया इन्होंने, तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ही सारा काम हुआ है इसमें, जैसा चाहा वैसा ही उन्होंने लगाया है, तो मटेरियल को लगाने में कोई कम्प्रोमाइज़ उन्होंने क्वालिटी के साथ नहीं किया। ठीक है श्रीवास्तव जी, क्या आप चाहेंगे कि आप इसको हाईली रिकमेंड करें और लोगों को बताएं कि आप खुखुती सर्विस से ही काम करवाएं? सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पॉजिटिव रहा है इसमें अभी तक, अब बाकी चॉइस तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं हर एक के अपने अपने, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है तो जो है वही कहूँगा मैं। बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा सा अपना समय, कीमती समय हमें देने के लिए।